दोस्तों 3-4 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी मैंने फिंच से रिलेटेड। इसमें जो दोस्तों ये वाली मटकी के अंदर मैंने आपको दिखाया था उस वीडियो में कि 4 अंडे मादी ने दिए थे, उसके बाद जो है ना इसके एक बच्चा पहले निकल गया था, क्या उसके एक हफ़्ते बाद दूसरा और तीसरा बच्चा निकला था, और उसके बाद जो है ना वो एक अंडा मौजूद था उसमें। तो लेकिन अभी मैं जब इनका सुबह दाना पानी इनका मैंने कर लिया था तो मैंने ऐसी मटकी देख ली थी, तो मैंने देखा है दोस्तों वो बच्चा भी निकल गया उसमें से, सही है, मतलब टोटल जो 4 अंडे थे चारों में से बच्चे निकल गए। और उसके अलावा एक और अच्छी चीज़ ये है कि मादी ने जो है ना 2 अंडे और दे दिए मटकी के अंदर, वो मैं अभी सब आपको दिखाता हूँ। और इसके अलावा ये वाली मटकी में जो वाइट वाली मादी बैठती है तो इसके अंदर जो 3 अंडे थे वो भी मैंने चेक किया, वो अभी तक 3 अंडे इसके अंदर मौजूद हैं, वो भी मैं अभी आपको दिखा दूँगा। और इसके अलावा एक और चीज़, ये जो मेरे पास बजरी के 3 पैर पड़े हैं दोस्तों, तो मैंने वीडियो बनाई थी आपको दिखाया था कि इसके अंदर 5 अंडे थे, इसके अंदर 6 अंडे थे, इसके अंदर 5 अंडे थे, तो इस वाली मटकी के अंदर दोस्तों 2 बच्चे निकल भी गए अंडों से, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। चले पहले मैं इसकी मटकी में बाहर निकालता हूँ, तो फिर आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों मटकी निकाल ली है बाहर, वो इसका ढक्कन हटाता हूँ मैं। ये देखें दोस्तों, अब आपको क्लियर नज़र आ रहे होंगे 3 बच्चे और 1 बड़ा बच्चा। इसके अलावा सुबह तो 2 अंडे थे, या तो फिर मैंने सही से नहीं देखे अंडे, अभी मैंने बाहर बिल्कुल निकाला है तो मुझे 3 अंडे नज़र आ रहे हैं। तो ये देख सकते हैं आप, मतलब प्रोग्रेस चेक करें, 4 बच्चे भी निकल गए, इसके अलावा मादी ने जो है वो 3 अंडे भी दे दिए माशाल्लाह से। और मैं आपको ये वाली मटकी भी निकालता हूँ बाहर। ये देख सकते हैं दोस्तों इसके कलर जो है चेंज हो गए अंडों के, मुझे लग रहा है कि ये अंडे ख़राब हो गए, अब तक इसके बच्चे निकल जाने चाहिए, क्योंकि जितनी जल्दी इसके बच्चे निकले अंडों से उससे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम हो गया, 2-3 दिन ज़्यादा हो गए अभी तक बच्चे नहीं निकले। तो मैं 2-3 दिन और इंतज़ार करूँगा, इंशाल्लाह अगर फिर भी कुछ नहीं हुआ तो मैं इसके जो है ना वो अंडे निकाल के फेंक दूँगा। इसके जो ये 3 अंडे दिए हुए ना मादी ने, सही है, ये वाले जो 3 अंडे इसको मैं डाल दूँगा उस वाली मटकी में। चलो 2-3 दिन बाद एक और वीडियो बना के जब मैं शिफ्ट करूँगा ना अंडे, अगर उसके ख़राब हुए तो वो भी मैं आपको दिखा दूँगा। तो चले मैं मटकी लगा देता हूँ, तो मटकी लगा दी है, सही है। अब ये वाली इसके पास आते हैं, ये वाली बजरी की मटकी मैं नीचे उतारता हूँ और जो है ना फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें दोस्तों, आपको 2 बच्चे नज़र आ रहे होंगे और इसमें जो है वो 3 अंडे भी मौजूद हैं, मादी अभी भी अंडों पर बैठी हुई थी। तो माशाल्लाह इसके भी बच्चे निकल गए, काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस है इसकी। तो दोस्तों आपने देख ली इसकी प्रोग्रेस भी दिखा दी बजरी की, और इसके अलावा अभी इन दिनों में जो है ना वो अभी अंडे इंशाल्लाह जब इसके बच्चे निकलेंगे वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और फिंच का भी मैंने आपको दिखा दिया, फिशर का भी मैंने आपको दिखा दिया था, 4 अंडे दिए इसने, अभी तक अंडे इसके अंदर मौजूद है। मादी भी अंदर जाके बैठती है, अभी बाहर आ रही है, देखें चली गई अंदर, तो इंशाल्लाह उसके बच्चे जब निकलेंगे वो भी शेयर करूँगा। और डफ का भी मैं आपको बता देता हूँ कुछ, के जो है ना दोस्तों वो जो एक बच्चा छोटा सा निकला था ना डफ का, ये तीसरी वाली टोकरी के अंदर जो पिंक कलर की, लाइट पिंक कलर की है, इसके अंदर जो बच्चा था माशाल्लाह वो भी अब जो है ना उड़ने वगैरह लग गया है। वो कहाँ चला गया मैं आपको दिखाता हूँ, वो उसकी टोकरी नज़र आ रही है ऑरेंज कलर की जिसके अंदर 2 डफ बैठी हुई हैं, इसके पीछे वो बच्चा है छोटा सा, वो जो आपको थोड़ा सा उसका हिलता हुआ पर नज़र आ रहा होगा, ये देखें ये बच्चा जो है ना माशाल्लाह से ये भी जो है ना उड़ने वगैरह लग गया है। तो बस ये आप लोग को दोस्तों कुछ भी बातें बतानी थी, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो दोस्तों लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।